ओके सो हेलो गाइस, किस यू आप सब लोग स्वागत करता हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है राजस्थानी प्लेयर्स। तो यार आज के वीडियो में मैं करूँगा माइनिंग, और अगला यार एपिसोड जो आएगा स्काई ब्लॉक का बनाने की कोशिश करूँगा। और पबजी लाइव स्ट्रीम में आज तो नहीं आ सकेगी, और कल तो वो वीडियो आएगा, परसों की कोशिश करूँगा क्योंकि पबजी लाइव स्ट्रीम में परसों खेलूँगा। ओके तो लाइव स्ट्रीम भी कर सकता हूँ, वीडियो भी अपलोड कर सकता हूँ, गेम प्ले वो बस आप देखते रहना। कल आएगा स्काई ब्लॉक एंड आज है ये अपना माइनक्राफ्ट एपिसोड। ओके तो जैसे आप देख रहे हो यार मेरे पूरा ही अलग बता रहा माइनक्राफ्ट, यानी कि आप मेरी इन्वेंट्री वगैरह देख लो तो वो मैं आपको बताता हूँ। सो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके गाइस, तो जैसा आप देख रहे हो मेरे जो है माइनक्राफ्ट पूरा पीई से पीसी में बदल गया है, पीसी जो होता है जावा एडिशन पीसी में, तो वैसा अब हो गया है। तो इस तरह करने के लिए आपको कुछ सेटिंग्स करनी होती है जो माइनक्राफ्ट में, थोड़े से आपको एक एडन लेना पड़ता है। उस एडन में क्या होता है जिसमें आपके बटन है वो दिखते नहीं है, जो ऐसे हाइड हो जाते हैं। उसके बाद आपको अपनी सेटिंग्स में जाना है, सेटिंग्स में जो वीडियो आएगा वीडियो में जाना है। पहले मैं ओके अब तो मैं पहले से कर तो नहीं पाऊँगा कि तो आउटलाइन जो सेलेक्शन है उसको आपको ऑन कर देना है। एंड ऑन करने के बाद जो आपको जीयूआई स्केल है आप यहाँ पे बता रहा है, एक मिनट, अगर आपके एकदम पूरा है ऐसे तो आपको पूरा कम कर देना है। ओके एंड जो टच में जाके आपको स्प्लिट कंट्रोल्स है उसको ऑन कर देना है, तो कुछ इस तरह से आपके हो जाएगा। और एक आपको एडन वाली फाइल होगी उसको आपको रिसोर्स पैक में डालना है, जिससे एकदम जो है पी सी की तरह हो जाएगा। ओके ओके गाइस, तो सबसे पहले हम चलते हैं, और मैं अपनी जो है फॉर्च्यून 3 वगैरह जो डायमंड पिकेक्स है वो ले लूँगा। लेकिन उससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ जो मेरी जो चेस्ट थी ना फुल हो गई है, तो ये मैं भी ले लूँगा आयरन पिकेक्स वगैरह। उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ मेरी चेस्टों को देखो यार, देखो ये देखो इस चेस्ट को, अब दूसरी खोल रहा हूँ अब इसे देख लो, और ये भी अब भर रही है, मतलब भरना चालू हो गई है। यानी क्या हो रहा है यार, इसमें मैं कुछ यूँ ही रखता हूँ, इसमें मैं पत्थर नहीं रखता, और इसमें मैं जो है वो मतलब मैंने रख दिया है। तो हम फटाफट जो है फॉर्च्यून 3 डायमंड पिकेक्स है वो ले लेता हूँ, और साथ ही मैं जो मैंने अलग से आयरन पिकेक्स बनाई है वो भी मैं ले लेता हूँ। तो फटाफट मैं ले लेता हूँ। ओके एंड मैंने जो दो है मैप भी बनाए हैं साथ में, तो टॉर्च भी ले लेता हूँ मैं। ओके तो इतना सब कुछ तो हमने ले लिया है, अब मैं आपको एक मिनट और देख लेता हूँ अगर लाइटें हैं तो, शायद मैंने इसमें रखी थी, नहीं है तो मैं अब ऊपर जाके आपको मेरे एक बेडरूम के मैंने बनाया था नया, तो बेडरूम में मैंने एक अपडेट किया है तो वो मैं आपको बताता हूँ। तो एक मिनट, सॉरी नीचे गिर गया, ये देख रहा था क्या पता वीडियो बंद हो चालू हो। ओके तो ऊपर चलते हैं एंड बताता हूँ आपको। और एक और मैंने पिकेक्स थी आयरन की, उसमें मैंने एचेंटेड किया है एचेंटेड, और अब उसमें सिल्क टच एचेंट है, वो आयरन की पिकेक्स है डायमंड की नहीं है। और वैसे मैं बनाऊंगा और नई नई जो है डायमंड की पिकेक्स, बट अभी मैंने आयरन की पिकेक्स में ही वो सिल्क टच है जो लिया है, मतलब एचेंटमेंट उसमें डाला है जो मेरी एचेंटमेंट टेबल थी उससे। ओके तो यहाँ पे लकड़ियाँ थोड़ी कम हो रही है, और देखो डिक्स भी मैंने ली है, मतलब वहाँ पे मिली थी डिक्स मेरे को, एक स्पाउंडर था स्केलेटन वहाँ पे मिली थी। और ये कारपेट टाउन, तो ये देखो ग्लोस्टोन यहाँ पे है, और ग्लोस्टोन लगा के इसके ऊपर मैंने जो है कारपेट्स लगा दिए थे, जिससे मेरे को ओके ये क्या हो गया, ओके गलती से ये खुल गया, तो जिससे मतलब लाइटें टॉर्च दिखेंगी नहीं, और ना ही मतलब ये ग्लोस्टोन दिखेंगे। तो इस तरह मैंने किए, और इस जो चेस्ट है इस चेस्ट में ओके तो ये रही हमारी आयरन पिकेक्स सिल्क टच वाली।
ओके गाइस, तो अब हम जो है ऊपर चलते हैं, मतलब ऊपर नहीं नीचे चलते हैं, लेकिन उससे पहले डिस्क अच्छी लग रही है मेरे को, देख सकते हो अच्छी वाली डिस्क। और ये थोड़ा सा मैं अपना सामान यार खाली कर देता हूँ, क्योंकि अगर वहाँ पे ज़्यादा स्टोन वगैरह मिलेंगे तो इसीलिए मैं थोड़ा सामान है अपना खाली कर रहा हूँ, और खाने का सामान खाना ले लेता हूँ भूख लगे तो, और थोड़ा सा सामान मेरे को लग रहा है खाली कर दूँ। और ये मैंने गोल्ड यहाँ पे पकाने के लिए रखे थे और रख देता हूँ, और यहाँ पे मैं आयरन रख देता हूँ। ओके, तो मेरे को लग रहा है मेरे को यहाँ पे रख देने चाहिए, तो ठीक है। तो 1 सेकेंड थोड़ा सा लैग हो रहा है, कोई बात नहीं यार, तो अभी एक बार ऊपर जाके देख लेता हूँ और बाहर जाता हूँ, क्योंकि यार ये लैग हो रहा है इस एडन की वजह से। तो इस एडन को मैं हटा देता हूँ और पहले जैसा अपना माइनक्राफ्ट कर देता हूँ। ओके, तो एक बार यहाँ पे बाहर आ जाता हूँ। ओके, तो बाहर आके मैं एकदम ठीक कर रहा हूँ इसको, एक मिनट। ओके, तो मैं ठीक कर रहा हूँ। ओके, वापस मिलता हूँ मैं तो इसको ठीक करके। ओके गाइस, तो ओके, तो ये बाहर आ रहा है। ओके, तो हो गया है और हमने एकदम ठीक कर दिया है, बस बटन दिख रहा है, और अब हमें सिर्फ ये ठीक करना, आउटलाइन सेलेक्शन एंड जो GUI स्केल है ये भी हम कर देते पूरा पहले जैसा, और जो टच में जाके हम स्प्लिट कंट्रोल्स है उसको भी ठीक कर देते हैं। ओके गाइस, तो हो गया है सब कुछ, और अब एकदम हमारा माइनक्राफ्ट पुराने जैसा, मतलब माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन जैसा लग रहा है। हेलो मुर्गा राजा। ओके, ये बकवास करेगी, इसकी बकवास मत सुनना। ओके, कोई बात नहीं, अभी हम चलते हैं, एक मिनट, रात हो चुकी तो पहले थोड़ा सो भी लेंगे, रात हो रही है इसलिए। ओके, और एक मिनट, ये गलती से खुल जाता है यार। तो हमारी क्यूटी कैट के पास हम सो रहे हैं, और नेमटेक यूज करूं कि नहीं यार, अभी तक आपने नहीं बताया कितने एपिसोड हो गए इस बात को ही बीते हुए यार, मैंने आपको कहा है, कोई बात नहीं जल्दी बता दिया करो यार। ओके, तो अभी हम चलते हैं, और ओके, तो उससे पहले चेस्ट में मैं अपना जो सामान नहीं चाहिए वो रख दूंगा। ओके, तो रख देता हूँ, तो बोन्स वगैरह, और ये मैप है, मैंने लिया अपने साथ ही रखूँगा ये मैप तो, क्योंकि अगर और बनाने का काम आ जाए, मतलब अगर मैं दूर दूर तक खुद ही कर रहा हूँ तो मैप मैं यूज करूँगा, ठीक है। तो हो गया, एंड चलते हैं नीचे। ओके, नीचे, पूरा नीचे, और यहाँ पे ये रेड स्टोन एक बार रख देता हूँ। ओके, अब चलते हैं हम, एक मिनट, ये फिर से बंद तो नहीं हो रहा है, ठीक है चल रहा है, तो इस बार DU पे भरोसा है, AZ पे थोड़ा कम था। ओके, कोई बात नहीं। ओके, AZ भी एक बढ़िया स्क्रीन रिकॉर्डर है, तो बट मैं कभी कभी AZ यूज करता हूँ, तो कभी कभी यूज करता हूँ DU। ओके, जैसे मैं एडिटिंग में कभी कभी यूज करता हूँ काइन मास्टर, तो कभी यूज करता हूँ पावर डायरेक्टर, लेकिन जो ये वीडियो है ना, ओके, तो जो ये वीडियो है ना, ये पहले मैंने पावर डायरेक्टर से एडिट की, उसके बाद काइन मास्टर से कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे लाइट इतनी थी क्या, एक स्टैक लाइट का, इतने सारी लाइट, और मैं कह रहा हूँ इतनी ही देखो मेरे को, कोई बात नहीं यार, फटाफट से खुदाई के लिए जलते हैं। ओके, तो सामने से जो यहाँ से साइड से मैं खुदाई करता हूँ। ओके, तो एक बार लैग तो करेगा ही, अब तो सुरत में लैग करेगा, पता नहीं। ओके, तो एक मिनट, ज़्यादा आगे आ गया मैं, तो पीछे चलता हूँ। ओके, तो पहले मैंने यहाँ पे खुदाई की थी, जो जहाँ जहाँ आप डर्ट लगी हुई देख रहे हो, यानी कि मैंने वहाँ खुदाई की थी, तो यहाँ खुदाई की, और यहाँ दो बार, मतलब दो ऐसे छोड़ के ब्लॉक्स। ओके, तो यहाँ पे मेरे को खुदाई करनी है, तो दो पहले यहाँ से ब्लॉक को मैं खोद लेता हूँ यहाँ से। ओके, तो पहले मैं बता दूँ, अगर आप मेरे जैसे खुदाई कर रहे हो तो पहले आपको यहाँ से खुदाई करनी, फिर दो ब्लॉक छोड़ के फिर वापस खुदाई करनी है। ओके, ऐसे अंदर अंदर तक करते जाना, तो जैसे जितने मेरे पास डायमंड हुए ना, उतने आपके पास हो सकते हैं, अगर आपके पास Fortune 3 है तो। ओके, तो मैं लास्ट में बता दूँगा कितने मेरे पास जो है डायमंड्स है। ओके,
ओके गाइस, तो हमें यहाँ पे जो है रेड स्टोन मिला है, तो रेड स्टोन को मैं तोड़ देता हूँ। तो मैं फॉर्चून 3 से तोड़ूंगा। ओके तो देखो, एक बार एक रेड स्टोन को, ओके तो 7 मिले फॉर्चून 3 से तोड़ने पे, और हमारी आयरन पिकेस जिसमें नहीं है फॉर्चून 3, उससे कितने मिलते? ओके तो 11 है, यानी कि 4-4 ही मिलते शायद, मतलब 4-4 ही मिलते, तो फॉर्चून 3 से आपको ज़्यादा मिलते हैं। ओके तो यहाँ पे आयरन भी है, देख लेता हूँ कि 20 हो गए रेड स्टोन। ओके तो आयरन भी है, तो इन आयरन को भी तोड़ लेता हूँ, एक मिनट यार। ओके तो अगर आप फॉर्चून 3 से आयरन या गोल्ड को तोड़ोगे तो आपको 2-3 नहीं मिलेंगे, बल्कि एक ही मिलेगा। तो अगर आपके पास फॉर्चून 3 है और आपको बहुत सारे आयरन या फिर जो है गोल्ड, डायमंड नहीं गोल्ड है, अगर गोल्ड और आयरन को आप फॉर्चून 3 से तोड़ते हो तो आपको वो एक ही मिलेगा। तो अगर आपको डायमंड, लैपिस या फिर अगर आपको दिखे रेड स्टोन तो आप तोड़ सकते हो उनको फॉर्चून 3 से, क्या बोल रहा हूँ, ओके सॉरी, फॉर्चून 3 से। तो वापस मैं अपनी खुदाई पे लग जाता हूँ। गाइस तो यहाँ पे मेरे को आयरन मिले हैं, तो कोई बात नहीं, इनको आयरन को भी हम तोड़ देते हैं। ओके तो नीचे और भी है, तो तोड़ देते हैं आयरन को, जितने अभी है यहाँ पे उतने तोड़ देते हैं। ओके तो हमने तोड़ दिए, ठीक है, तो अब हम वापस अपने खुदाई पे लग जाते हैं। गाइस तो हमें और यहाँ पे रेड स्टोन मिले हैं, तो इसको भी हम फॉर्चून 3 से तोड़ेंगे। तो फटाफट से यार इनको तोड़ देते हैं, देखते कितने हैं यहाँ पे। ओके तो शायद इतने ही है क्या। ओके इतने ही है, तो ओके तो हम वापस अपनी खुदाई पे लग जाते हैं।
गाइस तो आज के लिए यार इतनी खुदाई काफी रहेगी हमारे लिए। तो अभी मैं फटाफट से यार यहाँ पे थोड़ा वीडियो को स्किप करके मैं मिलता हूँ उस जगह पे। ओके तो ये जगह आ गई है, यानी आप समझ गए होंगे ये कौन सी जगह है। ये है वो जगह जहाँ पे हम अपनी एक्स्ट्रा जो है रिसोर्सेस जैसे आयरन, रेड स्टोन, गोल्ड वगैरह एंड डायमंड सारी मैं यहीं रखता हूँ। और सिर्फ हमारे पास एक एमरल्ड है, तो वो थोड़ा यार मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है। कोई बात नहीं यार, अभी फटाफट यहाँ पे चलते हैं। ओके 1 मिनट, तो चलते हैं नीचे फटाफट। ओके तो अब मैं ये बताने वाला हूँ आपको यहाँ पे कितने डायमंड है। 64 + 13, यानी कि एक डायमंड का स्टैक पूरा और साथ ही में 13 डायमंड अलग से। ये काफ़ी अच्छी बात है। और अगर आपको भी चाहिए, देख सकते हो गोल्ड और एमर और इतने सारे जो है आयरन एंड रेड स्टोन जो चाहिए, तो मेरे जैसे खुदाई करो और करके उसके बाद आपके पास फॉर्च्यून 3 होनी चाहिए। तो ये बाकी सब मैं यहाँ पे रख देता हूँ। वो तो चेस्ट पूरी ही भर गई है, काफ़ी अच्छा लग रहा है मेरे पास इतने सारे डायमंड्स है। तो यार बस आज का एपिसोड यहीं तक था। ओके गाइस तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।